दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है और सोनाक्षी को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। धोखाधड़ी के मामले में सोनाक्षी और उनके मैनेजर अभिषेक सिन्हा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी को सोनाक्षी अभिषेक सिन्हा और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दरअसल सोनाक्षी को दिल्ली के एक इवेंट में बुलाया गया था। सोनाक्षी को इस इवेंट के लिए 30 लाख एडवांस दिए गए थे और उनके मैनेजर अभिषेक सिन्हा को 7 लाख एडवांस में दिए थे, लेकिन एडवांस रकम लेने के बाद भी सोनाक्षी इस इवेंट के लिए नहीं आई। जब उनसे पूछा गया है इनकी न आने की वजह, तो उसने न ही जवाब दिया और न ही वापस पैसे लौटाए। जब इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा थाने पहुंचे सोनाक्षी पे केस दर्ज कराने के लिए, तो उनकी FIR तक नहीं लिखी गई, जिसके बाद इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, जब कहीं जाकर पुलिस ने FIR दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने सोनाक्षी और इनके मैनेजर के खिलाफ नोटिस जारी करके उन्हें अदालत में तलब किया था, लेकिन सोनाक्षी ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई और कोर्ट के नोटिस के बावजूद सोनाक्षी कोर्ट न पहुंची। और इसकी इन हरकत की वजह से सोनाक्षी और इनके मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और फिलहाल इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। तो दोस्तों देखते हैं इस सुनवाई में क्या होता है।